तो देश की बहस में हम लगातार बात कर रहे हैं उन किसान नेताओं से जो जिम्मेदार थे आज ये लिख के देने के, जिन्होंने कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक होगा, इसमें किसी भी तरह के लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा, एक ट्रैक्टर पर 2 से 3 लोग होंगे। क्या हुआ देश ने देखा। कौन कौन से नेता हैं बताऊंगा जिनको हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग लाइन पर आए हैं। सिर्फ एक आदमी कक्का जी ने माफी मांगी है। मैं सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी से, आदिल सिंह बोपराय कांग्रेस से, एलएन राव साहब फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के, साथ ही साथ मास्टर शिवराज सिंह किसान नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बताता हूं, राकेश टिकैत इन्होंने फोन नहीं उठाया, शिवकुमार कक्का जी माफी मांगी, दर्शन पाल सिंह जी आरोप लगाया कि भारतीय किसान, मैं बताता हूं भारत किसान मजदूर संघर्ष समिति इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा। नवेद से एक अपडेट लेते हैं। नवेद जल्दी जल्दी बताइए और कौन कौन से फोन ट्राई किए हमने, क्योंकि हम चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, जिम्मेदारी तय करें। देखिए हमने गुरनाम सिंह चंदोनी को फोन लगाया, वो अभी न्यूज नेशन देख रहे हैं क्योंकि उनसे एक बार बात हुई, उसके बाद वो फोन नहीं उठाने। एक और नाम है यहाँ पर जो बड़ा नाम है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, योगेंद्र यादव, जिनसे हमारी दोपहर में बात हुई थी, लेकिन अगर अभी हम उन्हें कॉल कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। लगातार उनको हम कॉल कर रहे हैं और उन्हें कई मरतबा हमने कॉल किया है। इससे पहले दोपहर में उन्होंने हमसे बात की थी, शो पे आने के लिए राजी भी हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद हो जाता है। अब जब से हमने ये चलाया है कि ये तमाम नेता अपने फोन बंद करके बैठे हुए हैं, तब से इन्होंने अपने फोन तो चालू कर लिए लेकिन ये अब फोन उठा नहीं रहे। देखिए न्यूज नेशन का फोन हम लगा रहे हैं उन्हें, घंटी जाएगी लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे। वैसे भी योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के नेता है, किसानों से उनका कोई बहुत दूर का लेना देना हो, हाल ही में वो किसान आंदोलनकारी बने हैं, क्यों नवेद? जी सर, योगेंद्र यादव इस पूरे मामले में एकाएक बीच में एंट्री लेते हैं। ये जब पूरा आंदोलन पंजाब से चल रहा था तो किसान आंदोलन, उससे जो किसान नेता थे वो उससे जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो दिल्ली में आता है, ये देखे घंटी कही योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव फोन नहीं उठाएंगे, ये कोई जगह नहीं है, ये मेरा 15वां फोन होगा दीपक जी, नहीं हो सकता। और सुनाइए नवेद, सुनाइए क्या क्या कहा था ये भी बताइए, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, जो हमारा सही तरीका है हम उसे ही बनाए। आज भी वो आए थे कुछ मीडिया चैनलों के साथ, आज भी उन्होंने बात की थी, ये देखिए बात नहीं हो पा रही इनसे। दूसरा एक नाम जो दर्शन, हमने अभी बात की थी जब दर्शन जी से, उन्होंने एक संगठन का नाम लिया था, किसान मजदूर संगठन समिति, उसके हेड है सतनाम सिंह। हम कोशिश करेंगे कि सतनाम जी को भी फोन करें और सतनाम जी से पूछें कि क्या उन्होंने ये साइन किया या नहीं, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लगाया दर्शन जी ने। चलिए सतनाम सिंह पन्नू को फोन लगाया जाए, जो किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता हैं, उन पर आरोप लगाया है, जो चीफ कोऑर्डिनेटर है किसान संयुक्त मोर्चा के, दर्शन पाल ने किए हिंसा, उनके संगठन ने करी है, प्रोफेसर सतनाम सिंह पन्नू। नवेद मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल जी दीपक जी, मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, घंटी जारी है, उन्हें इंतजार करते हैं फोन उठाने का। सतनाम जी आपको आवाज मिल रही है? जी न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी आपसे बात करना चाहते हैं, लाइव शो में हम आपसे कुछ सवाल हैं जो पूछेंगे, मैं आपका फोन पैच कर रहा हूँ सर। सतनाम सिंह पन्नू, सतनाम सिंह पन्नू जी का फोन आ गया है। सतनाम सिंह पन्नू जी किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। सतनाम सिंह पन्नू जी, आप पर आरोप लगाया है डॉक्टर दर्शन पाल ने कि यह हिंसा आपके संगठन ने कराई, क्योंकि आपका संगठन ही था जो सबसे पहले बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा है। सर मैं सतनाम सिंह पन्नू नहीं हूँ, मैं सतनाम सिंह गुरदासपुर से हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैं सिंघू बॉर्डर पे आया था और न्यूज नेशन ने मेरी इंटरव्यू ली थी और मैंने जो तीनों कानून है उसके बारे में डिटेल में बताया था। मैं सतनाम सिंह पन्नू नहीं हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए, गलत नंबर मिला। लेकिन सतनाम सिंह जी आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आज जो हिंसा हुई क्या इससे गणतंत्र शर्मसार नहीं हुआ है, और क्या आप तमाम किसान नेताओं को माफी नहीं मांगनी चाहिए, जो हिंसा हुई उसके लिए आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बहुत शर्मसार, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि पंजाब के लोगों ने डिसिप्लिन कायम नहीं रखा, क्योंकि वहां शांतिपूर्ण चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था उसमें पता नहीं कौन लोग आ गए, जो हमारे गणतंत्र इतना बड़ा गणतंत्र है और उसमें झंडा केसरी झंडा लहरा देना बहुत निंदनीय बात है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी जिम्मेदारी की बात की है। ओम प्रकाश बडोले मेरे एक दर्शक खरगोन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश बडोले जी क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ उस पर? सर
धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप निमार से संबंध रखते हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में आपने देश में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ के किसानों की छवि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो भी अपनी बात रखते हैं इस प्रकार की एक छवि रखते हैं, अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो किसान कभी नहीं चाहेगा कि देश में उनकी छवि इस तरह से देखी जाए। कुछ लोगों के द्वारा ये उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है और ये निश्चित ही असामाजिक तत्व है। कोई किसान नहीं है, कोई किसान नहीं, आपका ही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ोले जी। मुझे पता है, मैं निमाड़ से आता हूं और मेरी बचपन की बड़ी मेमोरी जुड़ी हुई है खरगोन से, क्योंकि वहीं मेरा बचपन गुजरा है उस जिले के अंदर। मैं सीधे एल एन राव साहब के पास चलूंगा। एल एन राव साहब, बार बार सवाल उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस को तो पता था, इसने जानबूझ कर एक्शन नहीं लिया, इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखेंगे आप? देखिए, आदिल जी ने अभी यह सवाल उठाया था। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर, पुलिस ने जो एक्शन लेना चाहिए थे कानून के दायरे में रहते हुए उस पूरा एक्शन लिया। जब भी ये लोग वायलेंट हुए तो उन्होंने अपना कंट्रोल रखते हुए, देखिए पहले जो भी ड्रिल होती है किस प्रकार से एकदम आंसू गैस तक नहीं जाते, उन्होंने पहले उनको वार्निंग दिया, फिर लाठी माइल्ड लाठी चार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़े, लेकिन वो ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। उसके बाद ये लोग ये चाहते थे, मैं आपको पहले बता दूं, चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए, लेकिन पुलिस ने कितना कंस्टेंट किया, वरना ये यहाँ पर आज जो आप कह रहे हैं ये लोग और ज्यादा कहते हैं कि देखो किसानों को गोली से मार दिया। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि ये जो लोग हैं, जो पहले से इंटेलिजेंस था इसमें, इन किसान आंदोलन के भेष में आकर ये अराजकता फैलाने वाले, कोई गैर कानूनी काम करने वाले जो तत्व है वो डेफिनेटली इसमें आएंगे। उसके बाद पुलिस ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, किसान आंदोलन वालों को पता था कि कौन लोग हैं, उनको बताना चाहिए था। अब ये आज कह रहे हैं कि हमको तो मालूम था कि ये लोग ये ग्रुप गड़बड़ करेगा, तो गड़बड़ करेगा तो क्या इन्होंने पुलिस को कोई इसकी इंटीमेशन दी, कौन आदमी है, उसके कौन लीडर है, क्या करें? लेकिन कोई ऐसा नहीं दिया। लेकिन अब ये किसान लीडर्स अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं किसी और के नाम पर, लेकिन ये बहुत ही शर्मसार घटना हुई है जो आज 45 सेकंड पर जो हुई है। ठीक है राव साहब, रुकना होगा आपको। मैं अपने सहयोगी नवेद कुरैशी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, उनको स्क्रीन पर लाया जाए। नवेद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सतनाम सिंह पन्नू को खोजा जाए, जिन पर आरोप लग रहा है भारतीय किसान संघर्ष समिति का। आप ट्राई कीजिए उनको, तब तक मैं आदिल जी को 45 सेकंड देता हूँ। जी कुछ कह रहे हैं नवेद आप? जी दीपक जी, सतनाम सिंह सानी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। सतनाम सिंह पन्नू, मैं चाहता हूं भारतीय किसान, मैं ढूंढता हूं। जी बिल्कुल ढूंढिए। सीधे चलते हैं आदिल के पास। आदिल, साफ कह रहे हैं कि अगर वाकई गोली चल जाती और अन्नदाता मारे जाते तो क्या मुंह दिखाती सरकार? दीपक भाई, हमारे संविधान में लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है सबसे पहले। दूसरी बात, 3 दिन पहले किसान जथेबंदियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक आदमी पकड़ा भी था, हरियाणा पुलिस को हैंडओवर किया था राय में, जो ये षड्यंत्र रच रहा था कि कई किसान लीडरों को असैसिनेट किया जाएगा और टेंशन की माहौल फैलाई जाएगी। जब ये जानकारी थी भारत सरकार को तो क्या क्या उस आदमी के बारे में बात है? दीपक भाई आप समझते हैं, मेरे से बेहतर समझते हैं। मूल विषय ये है, जब भारत सरकार को ये इंफॉर्मेशन थी और किसान जथेबंदियों ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी, तो भारत सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मूल विषय ये है कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं किसान की मुहिम को डिस्क्रेडिट करने के लिए? तो ये मुहिम क्या महीनों से चल रही थी? इकबाल सिंह आपने किया, इकबाल सिंह जी आपने लोगों ने किया है, सब आप ही का सवाल पूछ रहा हूं आदिल जी। ये जो सारा क्राइम किया है इसके पीछे पंजाब की कांग्रेस सरकार, पप्पू जी, राहुल गांधी जी, शर्म करिए लालपुरा साहब, शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म नहीं करिए। पंजाब हरियाणा में पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है आपकी, आपका मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पाता घर से, इतना ज्यादा आक्रोश है। अपनी जिम्मेवारी से पल्ला ना झाड़िए, आप विफल हैं, आप निकम्मे हैं। आपसे शासन नहीं होता तो इस्तीफा दीजिए, आपसे शासन नहीं होता तो इस्तीफा दीजिए, अपने दायित्व से भागिए ना। अरे गदारों का बेवकूफ है ये, आपकी पिटाई हुई आप बोल नहीं सकते? अरे नपुंसक लोग हो, आपने 400 किलोमीटर पंजाब में अच्छा। आदिल जी एक सवाल का जवाब दीजिए, जो रणवीर सिंह मिट्टू की पिटाई हुई उन्होंने कहा इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस और उग्रवादी संगठन है, क्या आप रणवीर सिंह मिट्टू की पिटाई के लिए जिन लोगों ने की उसकी आलोचना करते हैं?
और आपने अभी तक आलोचना क्यों नहीं की है बताइए, आपकी पार्टी ने एक ट्वीट भी नहीं आया बिट्टू के समर्थन में। हमने हमने आलोचना की है दीपक जी, और जहां तक नवनीत बिट्टू साहब का सवाल था, चार पांच ऐसे एलिमेंट्स थे, एक विरोधी दल के एलिमेंट्स थे, हमने उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया, और वही किसान लोग थे जिन्होंने एक ह्यूमन रिंग बनाई थी कुलबीर जीरा और बिट्टू साहब के आले दुआले, सो दैट वो गाड़ी में जा सके। पर जहां तक भाजपा का सवाल है, ये अपनी विफलता से भाग नहीं सकते, ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये सवाल जायज है कि अगर इनको सूचना थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है किसान मुहिम को बुरा नाम देने के, ये बहुत ही जायज सवाल है। सिंह जी जवाब आपका। मैं तो इनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि ना तो आप किसान हैं, ना किसान प्रेमी हैं, देश के गद्दार हैं, और उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड को बंद करने की कोशिश की है। शर्म कीजिए लालपुरा साहब, आप आपने शर्म हया सब गिरवी रख दी है अंबानियों के लिए, सब शर्म हया गिरवी रख दी है, आपको शोभा नहीं देता। अगर आपसे शासन नहीं होता तो इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे शासन नहीं होता तो इस्तीफा दे दीजिए। आज देश में तनाव का माहौल है, आज किसान तंग है, आज जवान तंग है, आज मीडियम इंडस्ट्री तंग है, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा झगड़िए ना, झगड़िए ना, आज गणतंत्र दिवस का तुम्हें एक दूसरे को बधाई भी नहीं हम दे सकते, हमारा गणतंत्र इतना शर्मसार हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर से अपडेट लेता हूँ, नवेद के पास चलता हूँ। नवेद क्या हमें मिले सतनाम सिंह पन्नू? दीपक जी सतनाम सिंह पन्नू को ढूंढने की कोशिश चल रही है, उनको नंबर भी लगाया, तीन नंबर ऐसे हैं जो सतनाम सिंह पन्नू के नाम से हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन दो पे बात हो नहीं पा रही है, एक नंबर बंद बताया जा रहा है और एक लगातार बिजी आ रहा है। मैं लगातार उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आरोप जो लगा है उन पर बहुत संगीन आरोप लगा है, और चाहते हैं हम कि वही इसका जवाब दें। इससे पहले भी वो कई बार बयान दे चुके हैं आपको, लेकिन याद होगा सतनाम सिंह पन्नू इससे पहले भी अपनी डिटेल जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक प्रधानमंत्री इस मीटिंग में नहीं आएंगे कोई किसान नेता नहीं जाएगा, तो अपने विवादित बयानों के लिए तो जाने जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्हें संपर्क साधता हूँ मैं और आपके पास फिर से आता हूँ। नंबर ठीक है, जो तीसरा नवेद मैं आपके पास आता हूँ, आप ट्राई करिए। तब तक ध्रुव जा दिल्ली से, ध्रुव क्या कहेंगे, आज गणतंत्र शर्मसार हुआ है वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, आपकी फीलिंग्स क्या है अंदर से? हेलो, हाँ ध्रुव क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस के दिन, देश का गणतंत्र शर्मसार हुआ है? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि 10-12 मतलब मीटिंगें हो जाने के बाद में किसान और सरकार की, और इतने अच्छे से सरकार के साथ में और बातचीत हो रही थी, रास्ता भी दिया था आंदोलन के मतलब ट्रैक्टर रैली के लिए, और 60 दिन से इतनी ठंड में जैसे किसान अपना काम मतलब अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांति से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज जो मैंने देखा बहुत शर्म हुआ। मतलब आज हमारा भारत देश वाकई में जो कुछ अतः मतलब गलत लोगों ने जो झंडा फहराया लाल किला पे, ये बहुत बुरा लगा कि मतलब ये एक बदनाम करने की साजिश चल रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारे अन्नदाता के साथ में इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक शांति वाकई ऐसा लगता है क्या किसान आंदोलन ने देश को बदनाम किया है? करना चाहते होते तो तस्वीर ये देश देखेगा, मैंने अपनी जिंदगी में इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। मैं हमेशा दुनिया भर में जब भी जाता था मैं कहता था लोकतंत्र भारत का बड़ा महान है, बड़ा महान है, इसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, और खासतौर पर जो कुछ ट्रंप के उसमें हुआ था कैपिटल हिल के बाद, उसके बाद तो कुछ ज्यादा जोर से कहता था, लेकिन आज सिर शर्म से झुक रहा है। मैं सीधे नवेद के पास चलूंगा। नवेद बताइए क्या अपडेट है सतनाम सिंह पन्नू के बारे में? सतनाम सिंह पन्नू दीपक जी अपने तीनों मोबाइल बंद करके बैठे हुए, मैं अभी आपको लाइव उनको फोन लगाया मैंने, और ये फोन उनका लगेगा या नहीं, ये तीसरा नंबर था उनका, ये भी स्विच ऑफ आ रहा है। सतनाम सिंह पन्नू अपने तीनों फोन बंद करके बैठे हुए सर। सतनाम सिंह पन्नू एक विवादित कैरेक्टर, डॉक्टर दर्शन पाल जो कि इस किसान संयुक्त किसान मोर्चा के सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उन्होंने आरोप लगाया कि सतनाम सिंह पन्नू के ऑर्गेनाइजेशन किसान मजदूर संघर्ष समिति ने हिंसा कराई है। सवाल यह है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति कितना बड़ा कितना अच्छा नाम है, क्या यह संघर्ष किया उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर? देखिए क्या हालत हुई है दिल्ली की, दिल्ली आज लुहलुहान है, कौन इसका जिम्मेदार है? आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब दिखाता हूं। मैंने देश की बहस में जो सवाल पूछा था वो क्या था,
दिखाइए देश की बहस का सवाल, और उसके बाद मैं सभी अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद दूंगा शो में शामिल होने के लिए। क्या आज की घटना के बाद किसान आंदोलन वापस होना चाहिए? हाँ कहना है देश की बहस के 90% लोगों का, और नहीं कहना है 10% लोगों का। देश की बहस में आज इतना ही।